शहर के एक गुंडे ने हथियार की नोक पर पत्नी और मित्र की मदद से जयपुर के रेस्टोरेंट व्यवसायी युवती को बलात्कार का शिकार बनाया। गिट्टी खदान थाने के तहत स्वागत नगर में हुई इस वारदात से पुलिस में खलबली मची हुई है। अपराधी जुनेद खान फरार है और उसकी पत्नी नीति सिंह उर्फ जरीन खान और मित्र सोनू डेहरिया को गिरफ्तार किया है। देखिए, जो फिरियादी है या विक्टिम है इस पूरे प्रकरण में, वो राजस्थान से आई हुई हैं। उनका यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी का मैटर था, कुछ प्रॉपर्टी का डीलिंग था। उसके लिए वो अपनी एक मित्र के यहाँ पर रुकी हुई थी। जो उनकी मित्र थी उनके यहाँ पर जब वो रुकी हुई थी तो सुबह करीब 4-5 बजे के दौरान ये घटना हुई है, जब उनकी दोस्त के हस्बैंड और उसका एक दोस्त, ये दोनों उनके कमरे में आए और जो मित्र का हस्बैंड, मैत्रिणी का हस्बैंड था, उसने उनके ऊपर अत्याचार किया। और इस दौरान जो उसका दोस्त था उसने वहाँ पर मोबाइल पर म्यूज़िक चलाना शुरू किया ताकि लड़की की आवाज़ बाहर ना जाए। और उसके बाद जब उसकी मित्र को ये पता चला पूरी घटना, उसने इस प्रकरण को दबाने का पूरा प्रयत्न किया, लड़की को धमकी दी और अपने पति को बचाने की कोशिश की। इस तरीके से महिला भी इस पूरे दुनिया में सहभागी हुई है। और उसके बाद जब लड़की मेयो हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई और पुलिस को ये प्रकरण पता चला, उसके बाद पुलिस ने लड़की का शोध लेकर ये पूरी घटना जो है दाखिल करके इस पे संज्ञान लेके दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक आरोपी अभी फरार है। अभी दो आरोपी जो हमने अटक किए हैं उसमें नीति सिंह उर्फ जरीन जुनैद खान, इनको अटक किया गया है। सोनू नाम का आदमी है, उसको अटक किया गया है। जुनैद खान फिलहाल फरार है। जुनैद खान पेशेवर अपराधी है। वह कुख्यात सुमित ठाकुर की गैंग से जुड़ा हुआ था। उसने सुमित के साथ मिलकर जरीपटका थाना परिसर में दो युवकों की हत्या की थी। डबल मर्डर के बाद उसके शहर में दहशत फैल गई थी। वह गिट्टी खदान के स्वागत नगर में पत्नी जरीन के साथ रहता है। पीड़िता 23 वर्षीय युवती जयपुर की निवासी है। वह रेस्टोरेंट चलाती है। उसके पिता पहले कलमना में रहते थे। उसकी कुंडारी में जमीन है। युवती जमीन बेचने के सिलसिले में 2 दिन पहले नागपुर आई थी। जरीन के सहेली होने से उसके घर में ठहरी थी। बलात्कार की घटना सोमवार की तड़के 5 बजे हुई। पीड़िता के अनुसार वह घटना के वक्त सोई हुई थी और जुनैद ने जान से मारने की धमकी देकर हथियार की नोक पर युवती से बलात्कार किया। उसके शोर मचाने पर सोनू मोबाइल में गाना बजाने लगा। उसने पीड़िता के शोर को दबाने के लिए मोबाइल की आवाज बढ़ा दी। सोनू ने पीड़िता को भागने नहीं देने के लिए दरवाजा भी बंद कर दिया। बलात्कार के बाद जुनैद और सोनू ने यह घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शहर में कोई भी परिचित नहीं होने से पीड़िता दहशत में आ गई। उसने जरीन को आपबीती बताई। जरीन पति का पक्ष लेते हुए पीड़िता पर झूठ बोलने का लाचन लगाने लगी। उसने पीड़िता को मेडिकल जांच कराने का कहा। जरीन पीड़िता को लेकर डागा हॉस्पिटल पहुंची। वहां चिकित्सक ने उसे मेयो अस्पताल जाने को कहा। वहां पहुंचने पर चिकित्सक ने पुलिस के पास जाने की सलाह दी। पीड़िता के वहां जाने से जरीन संतप्त हो गई। उसने पति की शिकायत दर्ज कराने पर पीड़िता को जहर खाकर खुदकुशी करने की धमकी दी। पीड़िता के चौकी में जाते ही जरीन फरार हो गई। इसके बाद पुलिस को घटना का पता चला। पुलिस तत्काल हरकत में आ गई। पुलिस ने सोनू और जरीन को हिरासत में ले लिया। सूत्रों के अनुसार जुनैद और सोनू को मादक पदार्थ की लत है। वह मादक पदार्थ की तस्करी में भी लिप्त है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।